हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे कला केंद्र के पास आता हूँ ना, तो मुझे देख सकते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। कला केंद्र ग्राउंड में ये डेकोरेशन यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा मेले का ऑर्गेनाइज किया गया हो। समर वेकेशन अभी चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बच्चों लोग का भी छुट्टी है गर्मियों का, तो गर्मियों में यहाँ पे मेला लगना, क्योंकि विंटर में भी लगता है और समर में भी। यहाँ पे देख सकते हैं अभी समर में प्रोग्राम चल रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा मेले का प्रोग्राम चल रहा है। तो हम लोग अंदर जाकर देखेंगे क्या क्या यहाँ पे डेकोरेट है, क्या क्या लगा हुआ है अंदर में, सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला है। अगर आप अंबिकापुर से हो तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हो। मैं यहाँ पे डेट भी जानेंगे हम लोग यहाँ पे की ओपनिंग डेट यहाँ पे क्या चल रहा है, सारा कुछ हम लोग आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्यों बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह में लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं अभी, सारा कुछ अभी डेकोरेशन चल रहा है। ये हो सकता है शॉप के लिए, क्योंकि मेला में जब आप घूमने जाते हो ना, तो आप छोटे छोटे यहाँ पे देखेंगे एक कॉर्नर लगा रहता है बहुत जगह पे, यहाँ पे इस तरह से में बनाया रहता है, मतलब एरिया जहाँ पे हर तरह का चीज़ आपको मिलता है मेले में। तो इसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं साइड साइड में भी बनाया गया है शॉप के लिए, छोटे छोटे शॉप बहुत तरह के आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेले में आए होंगे कभी तो यहाँ पे देखते होंगे। चले हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या लगा है, बच्चों के लिए क्या क्या लगा है वो भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। भाई साहब से बात कर लेते हैं, भैया बता सकते हैं क्या चीज़ का मेला लग रहा है यहाँ पे? मीना बाजार लग रहा है ये, अंबिकापुर में अक्सर लगता है। कितने दिन का है? 50 दिन के लिए लग रहा है यहाँ पे, मतलब। अच्छा, कला केंद्र में आप लोग जैसे यहाँ पे बताया आप लोगों को, यहाँ पे कला केंद्र ग्राउंड में मेला लग रहा है, मीना बाजार जिसे बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में, और ये 50 दिनों के लिए लग रहा है। भैया ओपनिंग कब से है? 1 तारीख से, 1 जून से ओपनिंग ना, 1 जून से ये ओपनिंग यहाँ पे होने वाला है ये मीना बाज़ार का। और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, अंबिकापुर से है तो आपको कला केंद्र ग्राउंड में आना पड़ेगा। और भी चलते हैं अंदर की तरफ में, क्या यहाँ पे बच्चों के लिए सारा कुछ आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अलग ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा, हो सकता है ये मेन गेट है, तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ये मेन गेट है भैया? मेन गेट है, ये मेन गेट बन रहा है, स्ट्रक्चर है। तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, डिजाइन कैसा है, मतलब क्या है ये? चारबाग लखनऊ का रेलवे स्टेशन। अच्छा, उसी का ये पूरा शेप है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लखनऊ का चारबाग कोई रेलवे स्टेशन है, तो उसी का ये स्ट्रक्चर पूरा लिया गया है यहाँ पे। मैं आपको बाहर से भी दिखा दूंगा, ये मैं अभी अंदर में हूँ, तो ये पूरा फुल डेकोरेट अभी नहीं हुआ है, काम चल रहा है। 1 तारीख से ओपनिंग है, तो 1 तारीख तक ये कम्प्लीट हो जाएगा। और भी यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे जोरों शोर से यहाँ पे सारा काम चल रहा है, आपको दिखा दिया यहाँ पे स्टॉल के लिए। इधर में इस तरह में आपका सारा स्टॉल लगेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा यहाँ पे झूला भी लग गया है। ये भी मतलब फुल इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, अभी सारा काम चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। 1 तारीख तक आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। 1 तारीख से यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग होगा आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। चलते कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे झूले के लिए, शायद आप लोग झूले का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं क्या? तो आप लोग फिर से बताएंगे यहाँ पे कब से ओपनिंग है, मतलब 1 तारीख तक हो जाएगा पूरा फुल ओपन? उधर में भैया बताया 1 तारीख को है, मतलब झूला ये हो जाएगा स्टार्टिंग, मतलब कब है ओपनिंग, कब है ओपनिंग डेट बताइए ना। 1 तारीख को ओपनिंग है। अच्छा, इन लोगों का झूले का जो काम है वो शायद 1 तारीख तक इनका फिनिश हो जाएगा सारा इंस्टॉलेशन। और ये कहाँ से, मतलब पूरा मेला कहाँ से उठ गया है? बंगाल, पूरा मतलब पूरा सेटअप बंगाल का ही है, बंगाल का ये पूरा सेटअप है जो कि कला केंद्र में यहाँ पे लग रहा है। और अंबिकापुर से है तो ज़रूर यहाँ पे घूमना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे मेला लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए भी, यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसका नाम क्या है? अच्छा, ये टोरा टोरा है, वो देख सकते हैं वहाँ पे लिखा गया है टोरा टोरा। इस पर मैं भी एक बार चढ़ा हूँ, बट नाम याद नहीं आ रहा था। और ये बड़ा झूला भैया, बच्चों के लिए क्या क्या है यहाँ पे? बच्चों के लिए तो बहुत है, लेकिन अभी कसा वसा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये बच्चों के लिए भी वहाँ सेटअप यहाँ पे सारा कुछ है, छोटा छोटा चीज़। और एक वहाँ पे भी तो है, क्या उसका नाम क्या है? वहाँ पे उसका मिक्की माउस नाम है, मिक्की माउस। और ये जो है रेलवे की तरह रेलवे ट्रैक पे जो चलता है, ड्रैगन ट्रेन। अच्छा, ये इसमें भी तो बच्चे लोग बैठते हैं ना? ना, बड़ा के भी है। अच्छा, बड़ा है, बच्चा दोनों इसमें बैठते हैं। ओपनिंग डेट 1 जून है, 1 जून 2024 को ये ओपनिंग हो जाएगा अंबिकापुर से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अंबिकापुर से आए तो यहाँ पे ज़रूर घूमने के लिए आया। यहाँ पे समर के दिनों में यहाँ पे ये मेला मीना बाज़ार भी लग रहा है, साथ में यहाँ पे इस तरह से मेले का यहाँ पे प्रोग्राम भी रखा गया है, तो आप ज़रूर आए यहाँ पे। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। ये देख सकते हैं यहाँ सारा मतलब फिटिंग्स अभी चल रहा है, इंस्टॉलेशन मतलब चल रहा है, बहुत लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको अंदर से दिखा दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सारा कुछ दिखाने का, क्योंकि अभी काम चल रहा है। मैंने पूछा यहाँ पे अंदर आने के लिए अलाउ है कि नहीं, तो उसने बोला ठीक है जा सकते हो, मैं वीडियो के लिए भी पूछा बना सकते हो, तो उन लोगों ने कोई बोला कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे
हो सकता है इन लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंबिकापुर में पता नहीं है कि यहाँ पे मेला लग रहा है कला केंद्र ग्राउंड में, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो भी बना दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चों के लिए भी सारा अभी सेटअप नहीं हुआ, जब सेटअप हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और जब सेटअप होने के बाद हम सेकेंड वीडियो जब लेकर आएंगे, जब सारा सेटअप हो जाएगा और हम घूमने के लिए आएंगे, तो आपको वीडियो भी लेकर आएंगे। हो सकता है अगर टाइम मिला तो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि काम के साथ साथ ये ब्लॉगिंग भी करना पड़ता है, तो इसलिए मैं अगर ऐसा रहा फ्री रहा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आप लोग के लिए यहाँ पर। और सारा सेटअप का वीडियो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर डेकोरेट करके रात में लाइटिंग कैसा है क्या है, और ये जो यहाँ पर चार बाग का जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं नेट में जाकर, सारा स्ट्रक्चर मतलब उसी का बन रहा है। दोस्तों एक वजह से नाम पता चला यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर तो पूरा पता नहीं चल रहा, बट यहाँ पे मैंने पूछा तो ये डिज्नीलैंड मेला के नाम से यहाँ पे है, जो अंबिकापुर में यहाँ पे लगा है कला केंद्र ग्राउंड में। बाबू एक बार बता दो इन लोगों का कौन सा मेला है? डिज्नीलैंड है। तो ये पूरा सेटअप डिज्नीलैंड का ही है, जिधर में जाते हैं ये सारा सेटअप लोग लेकर जाते हैं। और ये मेला अभी ऑर्गेनाइज होगा, इसकी ओपनिंग डेट 1 जून को है। दोस्तों यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर में बात किया, जो भैया ने यहाँ पे बताया चार बाग रेलवे स्टेशन का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्कुल आपको उसी की तरह देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे मेले का जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसका मेन गेट यही रहेगा। आप जैसे ही आप आते हो यहाँ पे मेला घूमने के लिए, तो आपको यहाँ पे चार बाग रेलवे स्टेशन का व्यू मिलेगा, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इनकम्प्लीट है, अंदर में चल रहा था जो चीज़ मैंने आपको देखा, यहाँ पे सारा कुछ वीडियो में आपको दिखाया है कैसे यहाँ पे अंदर में काम चल रहा है, डेकोरेट कर रहे हैं लोग, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, झूला लग रहा, सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप आते हो, डेट जो ओपनिंग डेट था अंदर में भैया लोगों ने यहाँ पे बताया, डेट जो था वहाँ पे 1 जून को यहाँ पे 2024 को ये मेला जो है यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हो यहाँ पे अंबिकापुर से हो, तो यहाँ पे जैसा कि सबको पता है यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है कला केंद्र ग्राउंड है यहाँ पे, और पास में यहाँ पे कोर्ट है, तो इसी के पास में यहाँ पे मेले का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे, सबको भी पता है कि समर का यहाँ पे वैकेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑफिस में, बच्चों को तो छुट्टी चली रही है, तो उसी बीच में यहाँ पे ये मेले का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 50 दिनों के लिए यहाँ पे मेला जो है ये 50 दिन का रहेगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे मेले का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कला केंद्र ग्राउंड में मैंने जाकर अंदर का सारा व्यू दिखाया, क्या चल रहा है, कैसे है, क्या ओपनिंग डेट है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आप लोग को पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।